इस वक्त हम बैठे हैं श्री कृष्ण जी सचदेवा जी के पास, जो कि पहले किडनी की प्रॉब्लम, सांस की प्रॉब्लम में जूझ रहे थे और बायोमेट्रिक्स का ये ई बायोटोरियम का मैट्रिक्स यूज़ करने के बाद उनकी शारीरिक हाल कैसा है, पहले ये चल भी नहीं पा रहे थे और आज हमारे सामने बैठे हैं। मैं इनसे जानना चाहूँगा कि अब आप कैसा महसूस कर रहे हैं। हाँ जी, पहले डायलिस होती थी मेरी 7 दिन बाद 10 दिन बाद, मैं चल भी नहीं पाता था, दो कदम चलता था फिर सांस चढ़ जाता था। इसलिए अब ये गद्दा लेने के बाद 10 दिन से होने लग गई, फिर अब हो गए 15 महीना हो गया है, महीने के बाद 15 दिन बाद अब डायलिसिस होती है और अब उसमें शरीर में तंदुरुस्ती भी है, मैं चल फिर सकता हूँ, सही अपने आप पहुँच जाता हूँ डॉक्टर के पास, कोई ऐसी बात नहीं है, फुर्ती है शरीर के अंदर। और आपके खान पान में कोई सुधार? खान पान में भी है, भूख अच्छी लगती है अब, पहले भूख नहीं लगती थी, अब रोटी वगैरह ये। दवाई पहले से कम करी है कि नहीं करी? दवाई तो ऐसे है जो 3 खुराकें होती हैं वो तो खानी पड़ती हैं। अच्छा, दवाई तो चल रही है। अच्छा, पहले से आप तंदुरुस्ती महसूस कर रहे हैं? तंदुरुस्ती, हाँ, अपने आप को सही चलना फिरना सही हो रहा है। ठीक है, धन्यवाद जी।